नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूँ शिखा। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सांस फूलने की बीमारी के बारे में। ये बीमारी कब खतरनाक हो जाए, कब दम्मे का रूप ले ले, कब अस्थमे का रूप ले ले, हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस बीमारी के प्रति तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, लेकिन करना क्या चाहिए, साथ ही आयुर्वेद में इसके इलाज क्या है, इस पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। गुरुजी, आज के अपने संक में मैं आपसे बात करना चाहूंगी सांस फूलने की बीमारी के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा दौड़ भाग कर लेते हैं तो सांस फूलने लग जाता है, यदि खांसी भी हो जाए उसमें भी सांस फूलती है, और यही छोटी जो परेशानी है वो कई बार अस्थमे का या फिर दमे का रूप ले लेती है। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी कि इस परेशानी के पीछे, इस बीमारी के पीछे कारण क्या है। बेटा, ये कारण हमारे सबसे ज़्यादा लापरवाही है। जब हम ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो हमारी सांस की नाड़ी में और फेफड़ों में एक किस्म का रेशा जम जाता है। जैसे पानी खड़ा रहने पे काई जम जाती है पानी के ऊपर, ऐसे फेफड़ों में रेशा जम जाता है। अब फेफड़े में जो हमारी ताकत है ऑक्सीजन लेने की, वो नहीं रहती। जब ऑक्सीजन अंदर कम जाएगी तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। हमें 24 घंटे में 21,600 सांस लेते हैं हम, परंतु जिसके फेफड़ों में रेशा जम जाता है, सांस की नाली में या तो सूजन पैदा हो जाएगी या काई जम जाएगी, वो 21,000 के बजाय 15,000 या 16,000 ही सांस लेता है, 21,000 नहीं पूरे लेता। सांस कम लेना या सांस अधिक लेना जरूर से, ये भी नुकसान करता है। तो इसमें हमें सबसे पहले तो अपने खान पान पर ध्यान देना, जो चीज़ें वायु पैदा करने वाली उन चीज़ों का सेवन बिल्कुल त्याग देना। ठंडी चीज़ का किसी का सेवन नहीं करना, यहाँ तक कि आपने मटके में पानी रखा तो वो भी नहीं पीना डायरेक्ट। उसको चाहे आप धूप में रख के गर्म करो, चाहे आग पे गर्म करो, उंगली लगा के जो उंगली को हल्का गर्म महसूस हो उसको पीने का कोई नुकसान नहीं होगा। यदि उंगली लगाने में उंगली को हल्की सी ठंड महसूस होती वो नुकसान करेगा। फिर इसका दूसरा कारण बनता है आपका लीवर। जब फेफड़ा ऑक्सीजन कम लेगा तो फेफड़े में जो पाचन शक्ति की क्रिया कम हो जाती है, कम होने से उसका जो मिक्सचर बनता है, जो जूस बनता है, जो पैंक्रीज में जाके साफ होके पित्ते से होता है वह गुर्दे को जाता है, वो रुक जाता है और वही फेफड़ों में बैक मारता है, तो फेफड़े और ज़्यादा जाम होते हैं। फिर एलोपैथिक दवाइयाँ देके फेफड़ा तो ठीक नहीं करते, परंतु आपको मामूली सी गर्मी महसूस कराते हैं। उस गर्मी से है कि आपको थोड़ी सी राहत महसूस होती है, रोग नहीं कटा, रोग उतना ही है, परंतु उसमें दबा दिया उसको, अब जितनी ऑक्सीजन लेने की जरूरत थी उतनी उससे नहीं पड़ेगी, कम भी लेने का कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु वो नुकसान जब आपको महीना डेढ़ महीना उस दवाई को खाएंगे तो वो अपना नुकसान दिखाना शुरू कर देती है। जिसको भी कभी सांस की तकलीफ हो जाए उसका सबसे बड़ा अच्छा उपचार है प्याज। प्याज का रस निकालें और उस प्याज के रस को कपड़े से छान लें, छान करके ड्रॉपर के अंदर डाल के या तो हल्के गर्म पानी में ड्रॉपर को रख दें या थोड़ी देर धूप में ड्रॉपर को रख दें। आप उस ड्रॉपर से आप नाक में 5-5, 7-7 बूंद डालें तो एकदम जैसे ऑक्सीजन आर्टिफिशियल लगाते ऐसे सांस आना शुरू हो जाता है और फेफड़ों में चिकनाहट जमी है वो भी पिघलना शुरू हो जाती है और शरीर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और जो नाक से सांस ले ही नहीं सकते उनको यदि दिन में 10 या 12 बार प्याज का रस नाक में डालते हैं तो जो नाक में मांस फूला हुआ था, जिसको डॉक्टर कहते हैं हड्डी बढ़ गई, हड्डी कभी नहीं बढ़ती, मांस हड्डी जैसा सख्त हो जाता है, फूल जाता है, उसे सांस मुँह से सांस लेते हैं, मुँह से सांस लेते हैं तो रात को खराटे आते हैं, आवाज निकलती है गले से, तो नाक में जब आप प्याज का रस डालेंगे तो आवाज भी नहीं निकलेगी, सांस नाक से नॉर्मल लेंगे। और जिनको नींद नहीं अच्छी आती
उनके लिए प्याज अमृत है। प्याज को ब्रीक करके काटो और कपड़े के अंदर रख के, जैसे पशु को मुंह में चिकड़ी लगाते हैं ऐसे नाक के पास इसको बांध लो और अपने सो जाओ। आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे, इतनी भयंकर नींद आएगी जैसे 4 गोलियां कंपोज की खा ले। अब 8 घंटे से पहले नींद नहीं खुलनी, 8 घंटे बाद आप उठेंगे आपका सांस नहीं फूलेगा, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। परंतु इसका जो असली इलाज है वह है नींबू और शहद से। शहद के अंदर जैसे 4 चम्मच शहद है तो एक कागजी नींबू जो है अच्छे रस वाला उसका रस मिला दें। एक नींबू में 20 ग्राम रस निकलता है, जो कागजी नींबू अच्छा नींबू हो पका हुआ 20 ग्राम। अब इसको मिला के जैसे बच्चे उंगली से चाट चाटते हैं ऐसे चमचे से एक एक चम्मच लेते रहो, चम्मच में 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना और उसको चूसते रहो। यदि पानी पीने को मन करे तो गर्म पानी पीना, ठंडा पानी नहीं पीना। आप इसके पीते पीते अचंभे पड़ जाएंगे, जहाँ आपको सांस लेने के लिए ऐसे करनी पड़ती वो नहीं करनी पड़ेगी, आपका नॉर्मल सांस चलना शुरू हो जाएगा। नींबू का रस और शहद फेफड़ों की, सांस की नाली की, जिगर की, पैंक्री की, पित्ते की, गुर्दे की, तिल्ली की और दिल की ऐसे धुलाई करता है जैसे मैले कुचैले कपड़ों को गर्म पानी में धोबी सोडा डाल के उनको बिल्कुल साफ सुथरा करते, ऐसे साफ सुथरा करता है। परंतु एक बात और है कि नींबू कभी भी लेना है, शायद कभी भी लेना है तो पहले इसको गर्म पानी के बर्तन में रख दो। गर्म पानी में तो नींबू को गर्म पानी में डाल दो और शायद जिस बर्तन में रखा उसको गर्म पानी में रख दो। गर्म पानी में शायद गर्म करने से उसके गुणों में कमी नहीं आती, पतला पड़ जाता है, जो गाढ़ा है वो पतला हो जाता है और नींबू के रस में जो उसका बाइयों का विकार था वो खत्म हो जाता है, अब इतर गर्म हो जाता है। जब इन दोनों चीज़ों को मिला के लेंगे तो अमृत बन गया। अब ये जैसे बहुत गंदा लोहा है, जंग लगी बहुत ज़्यादा और गर्म पानी में तेजाब डाल के उस लोहे को निकाल दिया चमक जाता है, ऐसे हमारी सांस की नाली, फेफड़े, लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा, तिल्ली सब साफ हो जाते हैं। हमारा मेन फंक्शन है फेफड़े से, फेफड़ा ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में लेगा तो हमें कोई रोग नहीं। यदि फेफड़े में कोई गड़बड़ी आ गई तो सबसे पहले आपके जिगर पर नुक्स पड़ेगा, जिगर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाए। जब आपके जिगर की पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई तो सबसे पहले आपको इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, पूरी इंसुलिन नहीं बनती। जब पूरी इंसुलिन नहीं बनती तो आपके पित्ते में आपका खाया पिया ऐसे जमने लगता है जैसे पानी में पत्थर रखते हैं तो पित्ते में पथरी पैदा कर देता है, कब्ज ज़्यादा कर देता है, गैस बनाता है और जाके किडनी पे ऐसे जाला पड़ जाते हैं जैसे मकड़ी का जाला होता है। जी और भी बहुत कुछ जानकारी आपसे लेना चाहूंगी लेकिन दर्शकों फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए हमारे विशेष कार्यक्रम स्वस्थ विचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वस्थ विचार। गुरुजी आपने उपचार के बारे में तो बता दिया, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सांस फूलने की बीमारी है इससे ग्रसित लोग यदि आपके स्वस्थ विचार आश्रम में आते हैं तो उनका इलाज कितने दिनों तक चलता है और कितने दिनों में इलाज चलता है और वो सही हो जाते हैं? देखो बेटा,
जितने भी सांस के रोगी आ रहे हैं, किसी का 1.5 महीना उपचार होता है, किसी का 2 महीने, इससे फालतू किसी का नहीं हुआ। और जिसने योग साथ किया और पूरा प्रेज तसली से किया, उसका 1 महीने का, चाहे कितने पुराने से पुराना है। अब एक ऐसा रोगी है जो राजस्थान का, उसका नाम सरवण कुमार है। इस रोगी के फेफड़ों में इतना ज़्यादा रेशा था कि डॉक्टर ने उसको कैंसर डिक्लेयर कर दिया था। यानी दवाई का नशा जो इंग्लिश का था, वो उसको होना बंद हो गया था, तब उसको मेरे पास लाए थे। यहाँ पे दवाई खिलाने के 3 घंटे बाद उसको नॉर्मल सांस आना शुरू हो गया था। फिर मैंने इसको बताया कि देखिए ऐसा है कि आपने अलोन बलोन जो है 1 घंटा लाजमी करना है, सुबह दोपहर को खाना खाने के आधे घंटे बाद, शाम के टाइम फिर करो, रात्रि को सोते समय फिर करो। कपाल बाटी सुबह सुबह करनी है आपने। नियम से करते गए, सांस का रोग तो इसका 2 महीने में बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो कि उसको 30 साल से था। फिर उसके बाद उसने थोड़ी सी लापरवाही की, उसके दिल में इन्फेक्शन हो गया, और दिल में जब उसको भयंकर दर्द उठता था, वो 4-4 इंजेक्शन लगा के वो कंट्रोल नहीं होता। फिर उसने मेरे को फ़ोन किया कि गुरुजी ऐसे बात है। मैंने कहा भी फिर आपको आना पड़ेगा, नब से पता लगे आपने गलती क्या की है। जब नाड़ी परीक्षण किया तो नाड़ी परीक्षण पाया गया सर्द गर्म होने से अंदर जाके लीवर में इन्फेक्शन हुआ, लीवर के बाद वही दिल में इन्फेक्शन हो गया। अब दिल में जब ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती तो खून साफ नहीं होता, जब खून साफ नहीं होता उसमें जो क्लॉट होते हैं चुभते हैं, तो ऐसे लगते हैं जैसे ब्लेड का चीरा मार दिया। फिर जब वो आया, उसको तुलसी का तेल और 9 नंबर तेल दिया और उसको मालिश कराई आधा घंटा। आधे घंटे बाद मैंने उसको कहा मेरा मंदिर जो है 5 मंजिला है, कि आप मंदिर में ऊपर चढ़ेंगे नीचे आएंगे, जहाँ पे आपको दर्द महसूस हो वहीं से वापस आ जाना, फिर ऊपर नहीं जाना। अब वो आधा घंटा मार्श करने के बाद 3 बार मंदिर चढ़ा, 3 बार उतरा, कहते मुझे कोई तकलीफ नहीं महसूस हो रही। अब भगवान की दया से जब उसका फ़ोन आता है तो यही कहता है कि गुरुजी आप मुझे किसी किस्म की परेशानी है, मैं अपने घर का पूरा काम कर सकता हूँ कि नहीं, अभी आप करिए, जब आपको तकलीफ नहीं है तो काम से क्यों डरना है। बिल्कुल। अभी उम्र भी उसकी खास नहीं है, 35 साल उम्र है। तो तुलसी का तेल आपको कहीं भी किसी भी किस्म का दर्द है, कितना भयंकर से भयंकर दर्द है, दर्द मिटाने में टोटली 5 सेकंड लेता है, परंतु इस तेल को अकेले को नहीं लगाते, इसके अंदर चिकनी चीज कोई भी मिला लो, चाहे घी मिलाओ, चाहे ग्रीस मिलाओ, चाहे तेल मिलाओ, उससे मालिश करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, दर्द मिट जाएगा। यदि अकेले तेल की मालिश करेंगे दर्द तो मिटा देगा, परंतु वहाँ पे आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आग की चिंगारियाँ पड़ गई। जितने में तेल की मालिश की जाएगी उतने में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी आपको। तुलसी के तेल की विशेषता है कि जैसे गुब्बारे में हवा भरने से गुब्बारा फूल जाता है, ऐसे तुलसी का तेल चाहे आप पानी में, दूध में, सब्जी में पीते हैं तो अंदर से काम करता है, यदि बाहर से मालिश करते तो अंदर बाहर दोनों जगह से काम करता है। जहाँ भी गैस रुकेगी, जहाँ भी कोई ब्लॉकिंग होगी, जहाँ खून जमेगा, तुलसी का तेल जैसे अग्नि के पास घी पिघल जाता है ऐसे उसको पिघला देता है। यह अंदर बाहर दोनों तरफ से पूरा काम करता है। और तुलसी एक ऐसा संसार का पौधा है, हर एक के घर में मिलेगी, और हर एक पूजा करे ना करे परंतु इसके पत्तों के गुणों को समझ के इसका प्रयोग जरूर करता है। और तुलसी के अंदर एक बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ पर तुलसी का पेड़ है उसके 20 गज के चारों तरफ के एरिए में जितना मर्जी गंदे गंदा वातावरण है उस हवा को शुद्ध कर देता है, उस हवा में किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं रहने देता। और इसमें एक और बड़ी विशेषता है कि दिन छुपने के बाद
यदि आप पेड़ से हाथ लगाते हैं और नंगे पांव हैं और जमीन गिली है तो आपको करंट भी लगेगा, इसमें बिजली भी है। दिन छुपने के बाद ये समझो कि 20 वोल्टेज का करंट देती है ये इस पेड़ के अंदर ताकत। और जो तुलसी के पत्ते 5 हर रोज सुबह खाली पेट लुगदी बना के चबाएगा उसको जिंदगी में कभी कमजोरी महसूस नहीं होगी, जितना मर्जी काम करे थकेगा नहीं, ये तुलसी के अंदर के गुण है। और सांस का रोगी तुलसी के जो मंजरी है जिसमें बीज लगते हैं, यदि इन बीजों को किसी सूती कपड़े में बांध करके और नाक से ऐसे सूंघता है तो भी इसका सांस नहीं फूलता। परंतु यह है कि मंजरी 24 घंटे तक काम करेगी, फिर उसके बाद उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी। जो तुलसी चबाने से परहेज करते हैं कि मैं दांत से नहीं चबाऊंगा, क्योंकि कुछ आदमियों ने ऐसा वहम पैदा किया है कि तुलसी के पत्ते में पारा होता है दांत खराब हो जाते हैं इसके चबाने से, ऐसी बात नहीं है। पारा तो इसमें है, तेल इसके पत्तों में है, परंतु नुकसान का नहीं है, फायदे का है। आपने इसकी पहचान करनी है तो तुलसी के पत्ते तोड़ के लाए, एक गिलास शीशे का ले, उसको पानी से भर ले, 1 इंच खाली रखें उसको, और 5-7 पत्ते उसके अंदर डाल के 15-20 मिनट उन पत्तों को उसमें रहने दें, ऊपर से ढक्कन लगा दें। 15 मिनट के बाद वो पत्ते निकालें, 20 मिनट के बाद, तो आप देखेंगे कि आपके पानी के ऊपर जैसे चिकनाहट की तरी होती है ऐसे तरी आ जाएगी, वो तरी इसमें सबसे ज़्यादा गुण है। ये तो तुलसी हर किस्म के रोग को काटने में वरदान सिद्ध है, और इसमें हमें जगह घेरने की भी ज़रूरत नहीं है। जो कहते मेरे पास जगह नहीं है, वे गमले में लगा ले, दिन में तो इसको बालकोनी में रख दे, रात को अपने कमरे में रख ले। जिस कमरे की खिड़की के पास तुलसी का पेड़ रखा होगा उससे जो अंदर हवा जाएगी उसमें कमरे में जितना मर्जी प्रदूषण है वो सारा नष्ट हो जाता है। तुलसी की हवा जहाँ तक जाती है वहाँ का जितना भी दूषित वातावरण अशुद्ध हो जाता है। ऐसे संसार में एक पेड़ ऐसा पीपल का जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बिल्कुल, पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़, बड़ का पेड़, नीम का पेड़, गुल्लर का पेड़, ये प्राणी के लिए जीवनदान है। हम किसी भी रोग की पूर्ण रूप से आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं इनसे, परंतु रोग के अनुसार इनकी लेने की विधियाँ अलग अलग है। बिल्कुल गुरुजी, आपने सांस फूलने की बीमारी से कैसे बचा जाए इसके बारे में इतने विस्तार से बताया, साथ ही इतने आसान आसान से उपचार बताए हैं जो हम घर बैठे भी आसानी से कर सकते हैं। कीमती वक्त दिया, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। तो दर्शकों, आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ, गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2, डांगलोई, नजफगढ़ रोड, दिल्ली 43, फोन नंबर्स 09355002501, 09355001244, 09355043418, 09355091539 और 09711189-9375।